सो हेलो गाइस, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सारे बढ़िया हो गए। गाइस आज बज चुकी है 12, आज पड़ रही है बारिश होटल में, इसलिए हम जल्दी नहीं जा पाए यार। अभी भी पड़ रही है बारिश, बाहर जाके दिखाते हैं आज का मौसम आपको। मेरी पगड़ी भीग जाएगी यार। तो गाइस थोड़ी बहुत बारिश हो गई, उसके बाद चलते हैं अपने होटल में यार। आज ऐसे लग रहा है यार मुश्किल ही खुलेगा, जाने की कोशिश करते हैं एक बार, तिरपाल तिरपाल बांधते अपने में चलते हैं। उसके बाद यार अभी आ गए थे नानी के पास, दिन अच्छी थी, तेज बारिश। चलते यार नीचे, बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ जल्दी चल चलते। तो गाइस इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी यार सुबह, अभी अभी सही हुई है, अभी उल्टी करी थी 2 बार। हाँ बारिश तो रुक नहीं रही, हमें जाना पड़ेगा तिरपाल ओढ़ के दुकान में। ये देखो यार पूरा पैक हो गया तिरपाल के अंदर, चलते रास्ते में ना पूरी पगड़ी दिख जाएगी, फिर तिरपाल डाल के जाना पड़ रहा है यार। तो फाइनली गाइस यार पहुँच चुके हैं अपनी दुकान में यार, बिक गए हम बहुत ज़्यादा, ऊपर से नहीं भीगा नीचे पूरा गिर गया। हम घर से कपड़े चेंज करके आए थे और तिरपाल में, बारिश अभी पड़ रही है यार, सामान करते हैं अपना बाहर उसके बाद आते हैं यार। थोड़ा रुकी की बारिश तो ठीक ही रुकी थी, कोई बात नहीं। सो गाइस यार होटल हमने अपना खोल दिया है, लेकिन हम अभी सामान बाहर नहीं जा सकते यार क्योंकि यहाँ पड़ रही है बारिश। जो पड़े तिरपाल है यार वो हो रही है, खुल गई है तिरपाल हवा के चक्कर से, तिरपाल की रस्सी फेंक रहे बांधते, उसके बाद देखेंगे पानी रुक गया तो सामान निकाल लेंगे, अगर नहीं रुका तो अंदर ही पूरा सामान रहेगा, आज देखते हैं यार। तो फाइनली गाइस यार सामान पूरा बाहर हो चुका है, लेकिन बारिश नहीं रुकी है यार। आज का काम मुझे लग रहा है ऐसे जाएगा यार, सफाई भी मैंने पूरी कर ली है, अपने कपड़े पूरे चेंज कर दिए जो गीले कपड़े थे मेरे, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। मोमो वाले ग्राहक आए जा रहे हैं, बनाते अपने मोमो, आपको भी दिखाते हैं मोमो बना के यार। टाइम पास उसी में करना पड़ेगा और भी कर सकते हैं, बारिश हो जाएगी जा भी नहीं पाएंगे हम तो। ठीक है इस बना रहे हैं आप मोमोज, पहले मसाला काटेंगे, गोभी काटेंगे सबसे पहले, आधी कटिंग कर लिया, पूरी कटिंग करते गोभी की भी, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब रह गया शिमला मिर्च, करते इसकी भी कटिंग। फाइनली हमने काट ली है गोभी पूरी, रहेगी है खाली शिमला मिर्च काटने के लिए, उसके बाद शिमला मिर्च के बाद गाजर, फिर है धनिया, उसके बाद बनाएंगे मोमोज। तो फाइनली गाइस हमारी पूरी सब्जी काट चुकी है, अब इस सब्जी को बनाएंगे, इसके बाद डालेंगे इसे मोमोज के अंदर, गूंथते मोमोज का आटा। चलो गाइस मसाला तैयार हो चुका है, चलते हैं मोमोज बनाने के लिए, लेकिन मोमोज बनाने के बाद आपको मोमोज दिखाऊंगा, अभी तो बारिश हो रही है वैसे हल्की फुल्की, बंद तो हो ही गई है, चलते हैं मोमोज बनाने के लिए। मोमोज बन चुके हैं हमारे, आज पहले बार खा के टेस्ट कर रहा हूँ यार, मेरे अपने हाथ के मोमो बने कैसे होते हैं, मैंने खाए नहीं यार वैसे। फर्स्ट पीस देखो कितना बड़ा साइज है यार इसका, बहुत मस्त हो रहा है भाई यार, बहुत। तो गाइस यार आप भी एक बार टेस्टिंग करने जरूर आना, मोमो बनाए थे पूरे बिक गए, इसलिए यार पूरे मोमो निकल जाते क्योंकि टेस्टी बनते बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था यार दिखाने के लिए क्योंकि बारिश हो रही थी ना, आज कहीं घूमने जा सके हम। गाइस आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, तब तक के लिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।